चलिए आज देख लेते हैं, लास्ट पार्ट है ये, क्योंकि इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मायोसिस देख चुके थे, ठीक है, ये माइटोसिस देख चुके थे, माइटोसिस में सब पार्ट देख चुके थे, कैरियोकाइनोसिस भी देख चुके थे, साइटोकाइनोसिस भी देख चुके थे। अब सेल साइकिल का डायग्राम से देखना है। अगर सेल साइकिल का डायग्राम का स्टार्ट करें अगर, तो सबसे पहले हम लोग कौन सा फेज पढ़े थे, इंटरफेज, ठीक है। इंटरफेज के बाद एम फेज, एम फेज क्या था, माइटोसिस था, ठीक है। तो इंटरफेज में तीन फेज पर थे, जी1 फेज, एस फेज और जी2 फेज। जी1 फेज सबसे लंबा था, एस फेज उसके बाद, और सबसे छोटा कौन सा होता है, जी2 फेज, ठीक है। तो उसके बाद किसमें घुसता है, माइटोसिस में। माइटोसिस में दो चीज पढ़ते हैं, एक कैरियोकाइनोसिस और दूसरा साइटोकाइनोसिस। कैरियोकाइनोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, और साइटोकाइनोसिस पूरा एक अलग फेज है। साइटोकाइनोसिस के बाद आपको वो डॉटर सेल बन जाता है। जी1 फेज में अगर बात की जाएगा, जी1 फेज में क्या क्या होता था, आरएनए एंड प्रोटीन का सिंथेसिस होता था, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता था और क्लोरोप्लास्ट डिवाइड करता था, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल के और क्लोरोप्लास्ट जॉइन करता था। और एस फेज में डीएनए, मोर डीएनए सिंथेसिस होता था, क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट करते थे लेकिन अटैच्ड रहते थे, ठीक है। और जी2 फेज में आरएनए बनते थे और भी ज्यादा बनते थे और प्रोटीन भी बनते थे, क्यों, ताकि फर्दर स्प्लिट हो सके। अब माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या क्या था, ग्रोथ करना, ठीक है, ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस ही काम करता है। और इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता था, इक्वल रहता था। अब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डिवाइड करता है तो कैसे डिवाइड करता है, दोनों का अपना अपना डीएनए होता है, ठीक है, और दोनों का ही राइबोसोम्स होते हैं, क्योंकि अपना राइबोसोम्स होता है तो प्रोटीन भी अपना मिल जाएगा, ठीक है। और ये खुद ब खुद स्प्लिट करता है, इसको कोई मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता। और माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड इज ऑल्सो गाइडेड बाय द जीन्स, मीन्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स, जीन्स और साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स से ये गाइड होता है कौन, माइटोकॉन्ड्रियल डिवीजन, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, ये आपको रिडक्शन प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस जो भी माइटोसिस में था उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता था, लेकिन मियोसिस में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं रहता, ठीक। मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम घट जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम घट जाता है इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मियोन भी कहते हैं, ठीक है। ये सेक्स सेल और गैमेट सेल बनाता है, और ये कब होता है आपको, जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, ठीक है, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में होता है, टेस्टिस में और ओवरी में, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है। ह्यूमन बींग्स में तो टेस्टिस और ओवरी होगा, लेकिन फ्लावर में किस में होगा, एंथर में और ओवरी में। एंथर में क्या, ये पॉलीप्लेक्स बना देगा एंथर में, और ओवरी में ओव्यूल्स बना देगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, ठीक है। जैसे पेरेंट सेल में अगर 2n होगा तो सेक्स सेल में क्या होगा, m और n, ठीक। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, और हाफ चूंकि होता है इसलिए क्या करते हैं, हैप्लॉइड करते हैं। डिप्लॉइड क्या होता है, जब सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है, 2n रहता है, और हैप्लॉइड क्या होता है, जब उसका आधा हो जाता है, n हो जाता है। ये इसलिए जरूरी है, हैप्लॉइड इसलिए होता है क्योंकि जब मेल और फीमेल सेक्स सेल का जब फ्यूज होता है, तो फर्टिलाइजेशन के टाइम में, तो क्रोमोसोम क्या करता है, मिक्स करता है। क्योंकि क्रोमोसोम मिक्स करेगा उसके बाद ये क्या बनेगा, डिप्लॉइड बना देगा। 23 क्रोम, जैसे हम लोग का ह्यूमन बींग्स का बात करिएगा, 36 क्रोमोसोम होता है, 23 क्रोम कहां से आता है, मेल से आ जाता है, और 23 कहां से आ जाएगा, फीमेल से आ जाएगा, और ये दोनों जब फर्टिलाइज करेगा तब 46 क्रोमोसोम बना देते हैं, ठीक है। चलिए तब उसके बाद 46 को क्या कहते हैं, डिप्लॉयड करते हैं, और 23 को क्या कहते हैं, हैप्लॉयड करते हैं। अब उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, ये आपको एक तो हाफ हो गया। उसके बाद जब मिक्सिंग होगा, मिक्सिंग दो टाइप से होता है, पहला कंप्लीट मिक्स हो जाता है,
ठीक है, ये मेल है ये फीमेल है, ये मेल का साइन होता है फीमेल का साइन होता है, मेल फीमेल क्रोमोसोम क्या होगा कंप्लीट मिक्स कर जाएगा, ठीक है। तो क्या है द मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम गेट्स मिक्स अप कंप्लीटली, ये कंप्लीट मिक्स करेगा, उसके बाद ये सेपरेट करना शुरू करेगा, मान लीजिए ये दो है और ये दोनों मिक्स कर दिया, ठीक है। जब ये सेपरेट करना शुरू करेगा तो कंप्लीट सेपरेट नहीं करके कुछ इसका पार्ट और कुछ इसका पार्ट, इसका पार्ट कुछ इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, इसका पार्ट कुछ इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, अर्थात ये बंदा इसका पार्ट कुछ इसमें ट्रांसफर होगा, इसका पार्ट कुछ इसमें ट्रांसफर होगा, और इसी को क्या कहते हैं क्रॉस ओवर करते हैं या क्रॉसिंग करते हैं, ठीक है। तो इसका पार्ट जब इसमें ट्रांसफर हो जाता है ये वाला करेक्टर आ गया, और इसका पार्ट जब इसमें ट्रांसफर हो गया तो ये वाला करेक्टर आ गया। इसीलिए अगर भाई बहन होता है तो करेक्टर लगभग लगभग आइडेंटिकल हो सकता है, लेकिन कुछ कुछ अलग भी होते हैं, तो इसीलिए एक्चुअली करेक्टर में ट्रांसफर होता है क्रोमोसोम में, जिसके कारण क्या होता है ये क्रॉस ओवर होता है, ठीक है। तो मियोसिस खत्म, सेल साइकिल पूरा खत्म, ठीक है।